हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी खजूर का हलवा बनाना। तो ये खजूर यानी कि ड्राई खजूर है, इसको हमने पानी में भिगा के रखा था जो अच्छे से ये फूल चुका है। ये देखिए, अब इसको मैं ये साइड का निकाल करके इसके अंदर का बीज निकालूंगी। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए। ये इसको छुहारा भी बोलते हैं, खजूर भी बोलते हैं, ये ड्राई खजूर भी बोल सकते हैं और छुहारा भी। इसको हमने पानी भिगा दिया, अच्छे से फूल चुका है। इसके साथ हमको चाहिए शक्कर, ये हमने लिया है लगभग 150 ग्राम शक्कर। और ये है ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू है, बादाम है और ये है चारोली। और 1 कप हमने लिया है दूध। तो इन सब चीज़ों का मिला करके हमें बनाना है हलवा। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये साफ़ कर लूँगी, इसके अंदर का बीज सब निकाल लेना है। ये देखिए, इसको छोटे टुकड़े करना है ऐसे, फिर और उसके बाद इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको साफ करूंगी। ये देखिए, हमने बीज सारा निकाल लिया है खजूर के अंदर से। अब मैं इसको पीस लूँगी। इसके लिए हमने लिया जार, अब मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए, हमने खजूर को पीस लिया है बहुत ही अच्छे से बारीक। अब मैं इसको बनाना बताऊँगी कि कैसे बनाना है। तो हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है, घी मेल्ट हो चुकी है। मैं इसमें डालूंगी जो हमने खजूर पीसा है वो डालूंगी। इसको बराबर से चलाती रहूंगी, इसको सूखा होने तक के भूनूंगी, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक। बराबर से चलाते रहना है कि और भी ड्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तब तक इसको यूं भूनते रहना है। इसको थोड़ी देर और भुनेंगे, थोड़ा और कलर इसका चेंज हो जाए और इसके अंदर का पानी भी सूख जाए। फिर मैं इसमें डालूंगी दूध। बिल्कुल सूख चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप दूध। ये फुल क्रीम दूध है, इसके बाद ही थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें शक्कर और ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। शक्कर की वजह से भी थोड़ा ये पिघल के गीला होगा। देखिए, हमारा खजूर का हलवा तैयार हो गया है। मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। अब थोड़ा मैं बचा के रखूंगी इसको लास्ट में गार्निश करने के लिए। खजूर का हलवा बनाए, खजूर का हलवा और किसी भी ड्राई फ्रूट का हलवा इसी तरह से आप
सर्दियों का सीजन आने वाला है, इसलिए सब चीज़ें बहुत ही सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इसी तरह से बनाएं खाएं। और हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। देखिए मेरा हलवा तैयार हो गया है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी।